Let's स्टार्ट with क्वेश्चन नंबर 5 इन दिस इट says इन द given फिगर POQ is a इज़ अ लाइन रे perpendicular to PQ, OS टू another क्यू ओ ray इज between rays लाइंग रे लाइंग बिटवीन that angle ROS एंड half of QOS दैट एंगल इज हाफ ऑफ माइनस तो सबसे पहले तो आप इन वाले क्वेश्चंस में ये बात देखो कि आपको प्रूफ क्या करना है तो यहाँ पे मेरे को इन्वॉल्व करना है एंगल ROS को दिस इज my एंगल ROS. एंड सेकेंड मेरे को प्रूफ करना है कि क्यू ओ एस है हमारे पास एंड उसका रिलेशन किसके साथ है पी ओ एस के साथ सो so, सबसे पहले ना हम इसको क्या करते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं एंड देन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व इट सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ था रे ओ आ ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू इसका मतलब दिस दिस एंगल इज वॉट नाइन्टी डिग्री कौन सा एंगल हो गया हमारा क्यू ओ आर Is 90, और उसके जो एडजेसेंट है पीओ आर वो भी नाइन्टी होगा सो दिस इज नोन टू अस बाय क्वेश्चन इट में आपको दिया हुआ है QOS. हमें देखो यहाँ पे क्या नोट करना है क्यू ओ एस क्यू ओ एस की वैल्यू नोट करने की कोशिश करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्यू ओ आर एंड आर ओ एस अब ध्यान से देखना कि आपके क्यू ओ एस में कितने एंगल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं एक हो गया ये दूसरा हो गया ये ठीक है तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्यू ओ आर प्लस आर ओ एस सो दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर टू नेक्स्ट देखो आप नेक्स्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं पी ओ एस को पी ओ एस ध्यान से देखो पी ओ एस को आप कैसे लिखोगे पी ओ एस में तो कोई एंगल है नहीं और कोई तो हम इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको आर ओ पी की टर्म्स में लिखें इसको इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं आर ओ पी को सो so, पहले तो लिख लो पी ओ एस इज इक्वल टू आर ओ पी आर ओ पी में से ऐसा क्या हटाएं कि हमारे पास पी ओ एस बचे तो ये वाला एंगल हटना चाहिए इसको रिमूव कर देते हैं सो so, सबसे पहले लिखो आर ओ पी के इक्वल है देन माइनस कर दो आर ओ एस अब आर ओ पी क्या है आपका आर ओ पी एस बेसिकली 90 डिग्री लिखा था ना हमने फर्स्ट इक्वेशन में कि हमारा क्यू ओ आर और हमारा पी ओ आर क्या है 90 डिग्री है तो अब हम इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज़ करेंगे टू सॉल्व फर्दर अब यहाँ पे देखो आपके पास हो गया क्यू ओ एस इज इक्वल टू नाइन्टी डिग्री प्लस आर ओ एस और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी ओ एस इज इक्वल टू नाइन्टी माइनस आर ओ एस राइट अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो तो हमें क्या चाहिए क्यू ओ एस चाहिए और हमें आर ओ एस की फॉर्म में आंसर चाहिए तो अब आप इन इक्वेशंस को कैसे यूज़ करोगे कि आपकी वैल्यू इन टर्म्स में आ जाए तो हमें चाहिए क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है ना तो अब क्या करते हैं इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को माइनस कर देते हैं सब टू एंड थ्री तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करते हैं क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस इज़ इक्वल टू नाइन्टी प्लस आर ओ एस माइनस नाइन्टी और लास्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी आर ओ एस साइन चेंज हो जाता है तो नाइन्टी से नाइन्टी कैंसिल यहाँ पे आपके पास क्या आया टू एंगल आर ओ एस और राइट right साइड पे आपके पास क्या बचा क्यू एस माइनस पी ओ एस अब खुद ही सोचो यहाँ पे टू मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो यहीं पे मैं चेंज कर देती हूँ टू आर ओ एस आया था मेरे पास और मैं हाफ़ नीचे ले गई इन टर्म्स ऑफ हाफ़ हो गया ठीक है सो यस दिस इज़ हाउ यू कैन प्रूफ पहले देखो कि इसमें क्या प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशंस बनाओ जैसे हमने देखा कि क्यू ओ एस है और पी ओ एस है तो हमने equations ही ऐसी बनाए कि क्यू ओ एस और पी ओ एस की टर्म्स में हमारा आंसर आए और मैंने आर ओ एस को इन्वॉल्व दोनों इक्वेशन में करने की कोशिश की क्यों क्योंकि ज़रूरत थी यहाँ पे मेरे को आर ओ एस चाहिए था तो आर ओ एस के टर्म्स में मैंने लिखने की कोशिश करी सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन सो ऐसे ट्राई करने होते हैं ये वाले क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। बस आपको देखना है कि कैसे हम आंसर पे आए ठीक है सो यस दिस इज़ ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर फाइव लेट्स नाउ स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर सिक्स